हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा शर्मा .660। तो आप लोग मुझे बोल रहे थे डेली ब्लॉग देने के लिए, तो हम डेली ब्लॉग देंगे आप लोगों को, और आप लोगों को भी मेरे लिए पूरा वीडियो देखने पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियोस देखते ही नहीं हो, तो पता कैसे चलेगा हाँ इस वीडियो पे क्या बोले हम। तो बहुत कोई मुझे पूछे हो आप इतना खूबसूरत क्यों हो, मेरा खूबसूरती का कोई राज नहीं है, फिर भी हम जो यूज करते हो वो आप लोगों से शेयर करेंगे। ये देखो लैक्मी का जो प्रोडक्ट है, ये है लैक्मी पिच मिल्क। तो ये सिर्फ फेस मतलब स्क्रीन को सॉफ्ट करता है, तो हम ये यूज़ करते हैं हर रोज़, ये डेली मेरा मतलब डेली रूटीन का है। और ये थोड़ा लेने से पूरा स्क्रीन मतलब जिन मतलब बहुत किसी का होता है ग्लो नहीं होता है, उन लोगों का स्क्रीन ग्लो भी करेगा, और जो छोटे छोटे बूंदी बूंदी होता ना वो नहीं निकलेगा। मेरा फेस में यहाँ पे निकलता था पहले, बट अभी नहीं निकलता है। ये बहुत अच्छा क्रीम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये क्रीम सोचो किसी का पास टाइम अगर मतलब बहुत टाइम हो, जैसे हम हैं, मेरे पास बहुत टाइम है, तो हम थोड़ा ये क्रीम लगा के मसाज भी करते हैं, और जिन लोगों के पास टाइम नहीं है इस तरह थोक के भाग जाता है जैसे हम कभी कभार मतलब टाइम नहीं मिलता मुझे, तो हम जल्दी लगा के चले जाते हैं, नहीं तो हम थोड़ा मसाज करते हैं फेस को, उसके बाद जाके कुछ। तो डेली रूटीन में मेरा ये होता ही है, सुबह ब्रश करो, फिर नहाओ धाओ, नहाने के बाद आके फिर क्रीम लगाते हैं, फिर मेरे घर में ही मंदिर है, पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद खाना वाना मतलब अगर कुछ किसी दिन मन हो तो सुबह नाश्ता बनाना, तो मन ना हो तो मतलब मेरा मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोचे नहीं ऐसे ही खाना कुछ और खा लेंगे, कुछ बनाने नहीं होगा, तो वो अलग बात होता है, और जिस दिन सोचते नहीं पूड़ी उड़ी ये सब हो थोड़ा तो अच्छा हो, तो उस दिन बनाने पड़ता खुद, क्योंकि मम्मी पहले बनाती थी, अब मम्मी का आदत नहीं है, क्योंकि हम और मेरा दीदी का जब शादी नहीं हुआ तब हम और दीदी दोनों मिलके बनाते थे, और अभी तो फिलहाल हम और भाभी बनाते हैं, और कभी कभार भाभी ज़्यादातर बनाती है, हम बहुत कमी। अगर जिस दिन मतलब वो एक होता है मतलब वो मेरा घर पे सभी को फेवरेट है, सातू भर के पूड़ी, तो वो जब बनाते हैं तब हम बनाते हैं, और भाभी थोड़ा हेल्प करती है बस इतना ही। और हाँ आप लोग बहुत कोई बहुत अच्छा अच्छा कमेंट किए हो, इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स, और बहुत कोई मुझे बोले हो, बहुत कुछ बोले हो मुझे, हम देखे एक कौन था, रुको बताता हूँ, नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे, बट वो जो भी है उनको इतना समझना चाहिए, जो लड़की मतलब 19 साल तक कभी भी हिंदी में मतलब हिंदी क्या बिहार जो लोग बिहार में रहता है उन लोगों को हिंदी भोजपुरी ये सब आता है, बट हम बंगाल में रहते हैं मुझे बंगाली आता है, फिर भी आप लोगों के वजह से हम हिंदी में बोलते हैं, इतना समझना चाहिए जो हाँ जो लड़की मतलब इतना दिन कभी किसी के साथ हिंदी में अच्छा से बात भी नहीं किया है, बंगाली में पढ़ाई लिखाई, बंगाल में जन्म, तो उनको इतना समझना चाहिए जो हाँ वो लड़की कैसे बोलेगी। फिर भी तो ट्राई कर रहा हूँ ना आप लोगों के वजह से, जो हाँ मेरे से जितना हो सके हम हिंदी बोलेंगे, कोई बोल तो हिंदी समझ नहीं आता, कोई बोल तो बंगाली समझ नहीं आता, ज़्यादातर लोग बोलते हो बंगाली समझ नहीं आता, तो ठीक है हम हिंदी में बनाते, बट मेरा हिंदी गलत होता है, हम खुद मानते मेरा हिंदी गलत होता है, बट हाँ आप हौसला दो जो हाँ आप आगे से और भी ध्यान दो, या आप इस तरह से मुझे सपोर्ट करो जो हाँ मुझे भी अच्छा लगे, जो आप कोई एक कमेंट किया जो आप हिंदी बोलना नहीं आता बट जैसे भी आता बहुत अच्छा बनाते हो, ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, बट कोई कोई था जो हिंदी नहीं आता ये वो, बट हम तो बोल रहे मुझे थोड़ा सा भी हिंदी नहीं आता है, अगर थोड़ा बहुत आता है तो उसी में काम चलाते हैं, और रुको बताता हूँ, और ट्राइपिंग के बाद बोले हो, ट्राइपिंग जो होता है ना
तो उस दिन के बाद हुआ क्या, जो हम जल्दी जल्दी में टाइपिंग करने गए तो मेरा गलत टाइपिंग हो जाता। हम मेरे से नहीं, हर एक इंसान से गलती होता है, सिर्फ मेरे से नहीं होता है, दुनिया में इतना इंसान है ना, सबसे थोड़ा ना थोड़ा गलती होता ही है, चाहे जो हो, चाहे लाइफ के बारे में हो, चाहे वीडियोस के बारे में हो, चाहे जो भी हो, पर थोड़ा ना थोड़ा सबसे गलती होता है। तो मेरे से अगर थोड़ा गलती हो गया है तो आप लोग उसमें इतना हड़ताल लगाने क्यों लगे हो, जैसे हम बहुत बड़ा कत्ल कर दिए इस तरह से। आप लोगों को भी समझना चाहिए जो, हाँ हिंदी बोलना आसान बात नहीं है, और बंगाली भी, आपको अगर हम बोले बंगाली बोलो, आप बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। तो इसी तरह आप भी सोचो जो, हाँ ये लड़की हिंदी बोल रही है, मतलब थोड़ा तो ये कुछ तो इसको सपोर्ट करे। आप लोग मुझे समझाओ जो, हाँ हिंदी आप बोल रहे हो बहुत अच्छा। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करोगे, जितना मुझे, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस फील होगा, उतना हम अच्छा से बोल पाएंगे या आप लोगों से हर एक बातें शेयर कर पाएंगे, वरना इस तरह से कभी नहीं होगा कुछ, चाहे आप लोग जितना जो बोलना बोलो। चलो कोई बात नहीं, वो एक दो लोग थे उस तरह का कमेंट किए थे, बाकी जितना भी लोग हैं बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कुलिंग कुलिंग इस तरह वाला फील हुआ मुझे, बहुत अच्छा लगा उन लोगों का कमेंट पढ़ के। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, एक ने बोला मुझे जो, आपको हिंदी नहीं आता बट आप फिर भी बोल लेती हो, ये बहुत बहुत अच्छा बात है। उनको ये समझ आया, अगर उनको बोले हम बंगाली में ब्लॉग बनाओ तो वो कैसे बनाएगा, वो तो नहीं बना पाएगा। तो इस तरह मेरा भी है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं आप लोगों के वजह से जो, हाँ हम जितना हो सके सही बोलने का ट्राई, मतलब कोशिश करेंगे, गलती ना हो मेरे से। फिर भी हम बोले मेरा टूटा फूटा जो भी हिंदी है आप लोग मैनेज कर लेना, तो भी आप लोग मतलब हद करते हो। सो कोई बात नहीं, चलो अब हम तब तक जल्दी जल्दी बाल कंघी कर लेते हैं, और जाके पूजा भी करना है और जाके खाना भी है, तो मम्मी अभी डांट पड़ेगा, नहीं तो सुबह का मतलब ये 10 बजे के अंदर ये सब काम हो जाता है मेरा, और 10 बजे के बाद अगर पापा बुलाए तो दुकान जाते हैं, अगर नहीं बुलाए तो पूरा दिन बैठ बैठ के टीवी देखते हैं हम। मुझे साउथ मूवी बहुत अच्छा लगता है, तो हम टीवी देखते हैं ज़्यादातर, बैठ बैठ के हम टीवी देखते हैं, चाहे दिन को हो चाहे रात को हो, रात को हम, हाँ रात को ज़्यादातर हम टीवी देखते ही है। अगर सुबह अभी हम खाना खाने के टाइम, अगर नाश्ता करने के टाइम अगर हम टीवी ऑन किए तो गाना सुनते हैं, और अगर दोपहर को किए तो साउथ मूवी, और अगर शाम को तो कभी कभार मोबाइल चलाते हैं, कभी कभार देखते नहीं, मोबाइल में कुछ अगर इंटरेस्टिंग हो तो मोबाइल देखते हैं, वरना हम टीवी चलाते हैं, और टीवी में सब कोई बैठ के देखते हैं ना, उसी में बहुत मजा है, फैमिली के साथ बैठ के एक साथ टीवी देखने का मजा ही कुछ और है। और साउथ मूवी, आप साउथ मूवी देखो चाहे जो भी देखो, बट मुझे भोजपुरी समझ नहीं आता, फिर भी भोजपुरी मूवी अगर कोई देखता है घर में ना, तो हम समझने का ट्राई करते हैं, हाँ ये क्या बोलने चाहते हैं या ये क्या बोल रहे हैं। मुझे नहीं आता, हम पहले से ही बता रहे हैं, मुझे हिंदी नहीं आता है अच्छा से, भोजपुरी तो आता ही नहीं है, और एक होता लैंग्वेज जो हिंदी और भोजपुरी दोनों मिक्स करके होता है, वो झारखंड में वो भाषा चलता है, जैसे मेरे मम्मी को पता है, मुझे मतलब मुझे हर एक भाषा कैसे बोलते हैं ना समझ आता है, बट उसका रिप्लाई नहीं कर पाते हम, जैसे हिंदी रिप्लाई कर लेते थोड़ा बहुत, बट भोजपुरी मेरे से होता ही नहीं है, और जो हम बोले एक झारखंडी जो भाषा होता है वो मेरे से नहीं होता है। बट फिर भी मेरे दादू से हम कुछ कुछ सीखने का ट्राई किए थे जब छोटे थे तब, अब नहीं पता, हम भूल भी गया भाई, और कभी कभी मतलब किसी से बात करते करते अगर वो उसी तरह का बात करे ना, कुछ कुछ माइंड में आता है, तो उसको उसी तरह का रिप्लाई अगर हो सके तो देते हैं, अगर नहीं होता तो उल्टा पुल्टा रिप्लाई हो जाता मेरे से। तो फिर भी कोई कुछ बोलता नहीं, बोलता हाँ जितना भी बोलती हो तुम बहुत है, यही बहुत है। बट मुझे बंगाली सबसे ज्यादा, मतलब मेरा मेन भाषा जो बोलता है ना वो बंगाली है, और ऐसे भी हम बिहारी है तो
सभी को बोल मतलब सभी को बोलता आप बिहारी हो बट आपको बिहारी भाषा आता क्यों नहीं है, भोजपुरी क्यों नहीं आता है। बट मुझे नहीं आता है क्योंकि हम बड़े बड़े पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, मेरा जन्म भी यहाँ, सब यहीं पे हम, मतलब आज 19 साल तक हम यहीं पे। मेरा मामा लोग झारखंड से आते थे, हम लोगों से मतलब हम लोगों से पापा से बंगाली में बातें करते थे। मेरा बुआ लोगों का जो शादी हुआ है झारखंड में, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, उनका जो लड़का लड़की वो भी बंगाली में ही बात करते हैं हम लोगों से। सिर्फ हाँ उन लोगों के वजह से थोड़ा थोड़ा हम हिंदी सीख पाए थे, क्योंकि वो लोग जब स्कूल जाता था तो हम कभी कभार उसका घर जाते थे, तो उसका जो दोस्त लोग होता था तो वो लोग बहुत अच्छी थी, मुझे सिखाती थी थोड़ा थोड़ा बहुत, जो हाँ इसे ये बोलता है इसे वो बोलता है आप ट्राई करो बोल के, तो हम उसी से थोड़ा थोड़ा ट्राई करते थे। और ज़्यादातर तो हम अपने मतलब बुआ के लड़का लड़की जो है उन लोगों के पास से ही सीखे हैं, मेरा मासी का लड़का है उन लोगों के पास से, और वो लोग भी हम मेरे से हिंदी सीखा यहाँ पे आके, वरना बंगाली उन लोगों को भी नहीं आता था और हम वहाँ पे जाके हिंदी सीखते थे। तो अभी जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद जाना है फिर नीचे। अरे बपरे, नहीं तो मम्मी चिल्लाने लगेगी इतना देर तक क्या हो रहा है। 8 बज गया कब का, अरे बपरे। चलो एक तरफ तो गया और एक तरफ देखते हैं। अब बाप रे, अम्मा बट ये बाल बहुत झड़ता है, बहुत तंग करता है यार, सर पे अभी कोई एक भी बाल नहीं रहेगा अब। बैठ हाँ, और एक बात, हम जो उस दिन का वीडियो बनाए थे ना, जो मतलब बोल रहे थे मेरे घर में कोई नहीं है, तो मेरे पापा मेरा कॉपी कर रहे थे। उसी दिन रात को पापा कॉपी कर रहे थे, हाँ मेरे घर में कोई नहीं है, अभी ये है वो है, आप लोगों को भी दिखाएंगे पापा कैसे कॉपी करता है मेरा। ओके जब भी करेगा ना तब, हम मेरे पास फोन नहीं रहता तब, मतलब फोन चार्जिंग में रहता या रूम में रहता ऊपर में, तो फिर लेने आएंगे इसलिए नहीं आते। बट उस दिन इतना हंसी आ रहा था सभी को कि पापा मेरा कॉपी कर रहा है। तो अगर मुझे पापा कभी इस तरह कॉपी करे, तो अगर मुझे मेरे पास फोन हो तो हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे पापा मेरा कैसे कॉपी करता है। ओके तो अभी बाय, तो फिर बाद में मिलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो अभी मेरा सुबह का जो रूटीन है 10 बजे तक का, वो आप लोगों को पता चल गया है, और बात का बाद में बोलेंगे। अभी भाई टाटा, सभी कोई मेरा पूरा वीडियो देखना एंड लाइक कमेंट शेयर करना भूलना नहीं, और सब्सक्राइब तो करना ही। और जो कोई भी न्यू हो ना मेरे चैनल पे, सभी कोई मतलब मेरा हर एक वीडियो देखना, देख के बताना कैसा हुआ, कमेंट करना, जो मुझे थोड़ा जैसे हैप्पीली फील हो, जो
जैसे मुझे कुछ लगे जो आप लोग जो मुझे बोल रहे हो, मुझे कुछ थोड़ा तो सपोर्टेड हो जो हाँ ये मुझे बोल रहे, तो मुझे और भी बनाना चाहिए इस तरह का वीडियोस इस तरह। ओके तो भाई कमेंट करके बताना कैसा था मेरा वीडियोस। ओके।